जिस पे लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनलोडिंग बे फॉर रॉ मटेरियल सीविंग लाइक मीट और नॉन मीट इंग्रेडिएंट्स, इस स्टेज पे हम लगा सकते हैं। फिर कोल्ड स्टोरेज रोम में हम जो है ना वो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स लगा सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज रूम की सफाई सुथराई, उसकी मेंटेनेंस, उसमें टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस पे सीसीपीज लग सकती हैं। उसके बाद मीट कटिंग एंड प्रेपरेशन फैसिलिटीज, फैसिलिटी फॉर हैंडलिंग नॉन मीट एडिटिव्स जिसमें वेयर हाउस, उसमें फीफो का प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करना। फिर मीट ग्राइंडर्स हो सकते हैं, मीट प्रोसेसर्स हो सकते हैं, मीट बाउल चॉपर्स हो सकते हैं, या डिफरेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट या मशीनरी हो सकती है। फिर हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में स्मोक हाउसेज हैं, कुकिंग वैट्स हैं, ऑटोक्लेव्स हैं, इन सभी में टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस, प्रेशर की फ्लक्चुएशंस, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर पैकेजिंग इक्विपमेंट या पैकेजिंग मटेरियल, उसकी रेलेवेंसी चेक की जा सकती है, वहाँ पे कन्फॉर्मेंसीज और नॉन कन्फॉर्मेंसीज को देखा जा सकता है। ठीक है, सो ये क्या है, एरियाज हैं डिफरेंट मीट प्रोसेसिंग में जिन पे सीसीपीज को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इन्हीं एरियाज में सीसीपीज के अगेंस्ट हम क्रिटिकल लिमिट्स लगाएंगे। क्रिटिकल लिमिट्स कहाँ से हमें मिलेंगी, जो क्वालिटी पॉलिसी में हमने क्रिटिकल लिमिट्स हमने खुद से डिफाइन की हैं, या हैसअप का स्टैंडर्ड जो हमें बता रहा है, उनके अकॉर्डिंगली हम क्रिटिकल लिमिट्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल विजुअल चेक ऑफ डैमेज टू पैकेज्ड इनकमिंग रॉ मटेरियल्स, विजुअल चेक ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक मीट है, फैट है, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन हैं, जिसमें टेम्परेचर इनकमिंग मीट का लेस देन और इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो कि चिलिंग टेम्परेचर है। मतलब मीट अगर आपका कोल्ड चेन के थ्रू आप तक रॉ मीट नहीं पहुंचा, तो वहां पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। उस केस में आप क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट्स यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर टेम्परेचर प्लस माइनस होता है। इसी तरीके से पीएच जो है इनकमिंग रॉ मीट की, उसको भी चेक किया जा सकता है, अगर वो कम या ज्यादा है 5.7 से बीफ के केस में, तो उस पे भी क्रिटिकल लिमिट्स हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विजुअल चेक ड्यूरिंग मीट कटिंग एंड ग्रेडिंग, इसमें कोई किसी किस्म का कोई डेब्रिस तो नहीं है, कोई रॉ मटेरियल कोई गंदा तो नहीं है, कोई डस्ट डर्ट पार्टिकल्स वगैरह तो नहीं है। ठीक है, फिर मॉइस्चर कंटेंट भी चेक किया जाता है। बाज का आपने देखा है कि मीट जो ये जो बुचर हजरात हैं ड्यूरिंग स्लॉटरिंग गोश्त को पानी लगा देते हैं, ठीक है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद एडिटिव्स हैं, डिफरेंट एडिटिव्स लाइक बाज का साल्टिंग की जाती है, या इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडिटिव्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल ऑफ पैस्चराइजेशन पैरामीटर्स, लाइक पैस्चराइजेशन उसकी 74 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट होनी चाहिए, ठीक है, इसको भी हम क्रिटिकल लिमिट्स में लेके आ सकते हैं। फिर कंट्रोल ऑफ स्टरलाइजेशन टेम्परेचर एंड टाइम, जिसमें HTST और HTLT हो सकता है, ठीक है। उसके बाद विजुअल अपीयरेंस एंड टेक्सचर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, तो सेंसरी वैल्यूएशन के थ्रू भी हम प्रोडक्ट को चेक करके फर्दर उसी पे हम क्रिटिकल लिमिट्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है जी, ओके okay, उसके बाद हम मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ईच सीसीपी, जिस जिस स्टेज पे हमने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट लगाया है, उसके अगेंस्ट हमने क्रिटिकल लिमिट्स आइडेंटिफाई की हैं, उन्हीं पे हम फर्दर मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है, चेक एंड बैलेंस क्यों मेंटेन करेंगे, फॉर नोइंग दैट द सिस्टम इज वर्किंग एज अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। मतलब जो हमने सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस फीड की हैं, जो फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के थ्रू या विजुअल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने जो ऑब्जर्वेशंस, जो गाइडलाइन सिस्टम को दी हैं, सिस्टम अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है या नहीं, या उसमें कौन कौन सी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। ठीक है, अब जो
फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उन फ्लक्चुएशंस को हम कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, उसमें दो पैरामीटर्स हमारे पास, सॉरी तीन पैरामीटर्स हमारे पास हैं, एक रिजेक्ट, दूसरा एडजस्ट और थर्ड रिमूव। अब रिजेक्ट के किस केस में हम करेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें हमें मीट बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मीट का इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा कम है, कम के केस में तो हम मतलब मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्म है गोश्त, मतलब फॉर एग्जांपल चिलिंग टेम्परेचर की रेंज से अबव टेम्परेचर पे है, तो हम उस केस में मीट को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब हम रॉ मीट को अपनी फैक्ट्री में एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब एडजस्टमेंट किस केस में हो सकती है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेशन में या फ्रीजिंग में कुछ प्लस माइनस फ्लक्चुएशन आ गई, तो उस केस में हम क्या है एडजस्टमेंट करके उस मीट को एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब उसमें हो सकता है कि हमारा चिलर थोड़ा बहुत प्लस माइनस में शो कर रहा है टेम्परेचर, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्टफॉल या व्हाट्स एवर, इस केस में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जहां पे एडजस्टमेंट्स की गुंजाइश ना हो वहां पे प्रॉपरली हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद रिमूव होता है, रिमूव फॉर एग्जाम्पल मीट रिसीव हुआ, उसमें कुछ डस्ट डर्ट या कुछ ऐसे मतलब कंटेमिनेशन है जिसको हम यूनिट ऑपरेशन में ला के हम उनको फर्दर कुछ इश्यूज को रिमूव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल विद क्लीन नाइव्स, मिनिमल विजुअल कंटेमिनेशन ऑफ मीट सरफेस, रिजेक्ट हैवीली कंटेमिनेटेड मीट। सो इस केस में हम प्लस माइनस करके इश्यूज को या जो भी पैरामीटर्स उनको रिमूव करके फर्दर हम एक्सेप्टेंस रेंज में ला सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर एडजस्टमेंट किस केस में हो सकती है, कुकिंग एंड स्टरलाइजेशन पैरामीटर्स अगर प्लस माइनस टेम्परेचर और टाइम का आ रहा है, फिर रिजेक्शन किस केस में होगी अगर मीट की पीएच बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब वो एसिडिक या बेसिक लेवल में फॉल कर रहा है, उस केस में उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो उसके अलावा एडजस्टमेंट हम किस केस में करेंगे, क्वांटिटी ऑफ क्योरिंग सब्सटेंसेस लाइक लेवल ऑफ नाइट्राइट, नाइट्राइट क्योरिंग साल्ट शुड बी कंटेनिंग 99.5% कॉमन साल्ट एंड 0.5% नाइट्राइट। अब क्या है मीट की क्योरिंग या स्मोकिंग की जो रेसिपी है उसमें अगर प्लस माइनस आ रही है, मतलब मैं जस्ट एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि इस केस में हम अपने रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट करेंगे, इस केस में रिजेक्ट करेंगे, इस केस में हम उसको एडजस्ट करके प्रॉपरली फर्दर मेंटेन करेंगे। तो इसी बेस में इन पे हम सीसीपी लगाएंगे, इसी पे हम ये क्रिटिकल लिमिट्स लगाएंगे। क्रिटिकल लिमिट्स हमें कहाँ पे लग रही हैं, जैसा कि टू हाई पीएच है, हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस हैं, मॉइस्चर या वाटर एक्टिविटी का इशू है। ठीक है, सो इस केस में हम क्रिटिकल लिमिट्स को देखेंगे।